पे आया हूँ और आप सब लोगों का शुक्रिया जो सामने बैठ के सुन रहे हैं इतने धैर्य से, इतने पेशेंस से। भाषण देना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। और जो लोग सुन रहे हैं मुझे लगता है कि वो असली आंदोलनकारी हैं और वो सचमुच समाज के लिए चिंतित हैं और वो सचमुच उनके अंदर दर्द है, प्रेम है और जो बहुजन समाज की परिकल्पना है इससे नहीं तो 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक नहीं सुनता है साहब। नेता आते हैं जाते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, तो थोड़ा देर और सब सुन लीजिए। जो लोग धैर्य रखे हैं, हम लोग तो अपने काम की वजह से खड़ा हैं आपके साथ, लेकिन जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो सचमुच काबिल के तारीफ है। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को है जो सुबह से शाम तक यहाँ बैठे हुए हैं। और फाइनल बात मैं यही कहूँगा कि आप सच यकीन मानिए, अगर हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने गलती नहीं की होती तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती। गलतियां हुई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे लिए SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लिए जो भी किया है वो बहुजन समाज के नेताओं ने ही किया है, चाहे वो फुले हो, प्रियार हो, अम्बेडकर हो, जगदेव बाबू हो, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, चाहे वो जयपाल मुंडा हो, चाहे वो लालू यादव हो। लालू यादव किसी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में नहीं है, वो हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उनको जेल में बंद रखा हुआ है। तो जो भी हम लोग आए, मैं एक बार और कहूँगा, महेंद्र जी हमारे दो साथी पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, जो लोग यहाँ अंतिम समय तक बैठे हुए आप सब लोगों का शुक्रिया। और मैं सुधांशु हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने बच्चे को लेकर आइए, अपने परिवार को लेकर आइए। और एक वैचारिक लड़ाई है, जब तक हम लोग फुले, पेरियार, अम्बेडकर और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, जगदेव बाबू, पेरियार, ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, इनकी बातों को गांठ नहीं बांधेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होने वाली। और मुक्ति का एक ही रास्ता है, स्कूल, कॉलेज, संविधान। और संविधान को मानेंगे, संसद पहुंचेंगे, तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का जो भाषण सुनने का धैर्य रख रहे हैं, आप सबका शुक्रिया। ये समाज आपका ऋणी रहेगा और तस्वीरें मैं सदस्य पर लगाऊंगा कि कौन लोग इस लड़ाई में अंतिम समय तक बैठे हुए थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।